हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुप्रियास क्रिएशंस। चाहे नवरात्रि हो या अन्य कोई व्रत या कोई उपवास, साबूदाना तो लगता ही है। साबूदाना से हम कभी खिचड़ी बनाते हैं या कभी वड़ा या कभी खीर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नई रेसिपी, यानी झटपट साबूदाना वड़ा, यानी बिना भिगोए इंस्टेंट साबूदाना वड़ा। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें लगने वाला है एक कटोरी साबूदाना। मैंने इसे ऐसे ही लिया है, इसे भिगोया नहीं है। एक उबला हुआ आलू, इसे छिलके मैंने ऐसे ही रखा है। यहाँ पे 4 से 5 मैंने हरी मिर्च लिए है और 1/2 इंच अदरक लिया है, बारीक कटी हुई धनिया, 1 टीस्पून हम लोगों ने लिया है जीरा, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस 1/2 और 2 टेबल स्पून हम लोगों ने मूँगफली का पाउडर लिया है, रोस्टेड मूंगफली लिया हुआ है, सेक के उसे बारीक किया हुआ है। हम इस साबूदाने को मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। इस तरह से ये साबूदाना का पाउडर हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल फाइन करना है, जितना बारीक हो सके उतना हम लोग को ये साबूदाना का पाउडर बना लेना है। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल में इसे ट्रांसफर कर लूंगी। उसमें मैं ऐड कर लूँगी ये हमारा बॉइल्ड पटैटो। इसे अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से स्मैश करना है, इसे खींचना नहीं है, यानी ग्रेट नहीं करना है। इसमें बहुत पानी छूटता है, इसके लिए हम लोगों ने इसे सिर्फ हाथों से इसे स्मैश कर लेना है। इसमें मैं हम डाल देंगे कोकोनट का ग्राउंडनट का पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया, और जो हम लोगों ने मिर्ची अदरक ली थी उसे मैं पहले मिक्सर से निकाल दूंगी, पीस लूंगी। मिर्ची अदरक और जीरा इसे मैं पीस लूंगी। इस तरह से इसका पेस्ट हो जाना चाहिए, यानी बारीक हो जाना चाहिए। इसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो मिर्ची ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो। इसमें ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पे नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से ही मिक्स करना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। यहाँ पे हम लोगों ने पानी यूज नहीं किया और बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करना है। ये पटेटो और जो नमक है उसी का पानी छूटेगा, उसी से इसे बाइंड करना है। 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे बाइंड करना पड़ेगा ताकि इसका पानी अच्छे से छूट जाए। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है फिर भी, तो आप यहाँ पे एक मीडियम साइज का या छोटा साइज का बॉइल्ड पटेटो मिक्स कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाइंड होने लगा है। तो आप ऐसे करके देखिए, अगर ये अच्छी तरह से ये बाइंड हो गया है तो समझना है कि ये तैयार हो गया है। अब हम लोग इसका इस तरह से शेप बना लेंगे। जब तक हम लोग ये इसके वड़े बना रहे हैं, तब तक हम एक कढ़ाई में तेल रख देंगे गरम होने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है और मैं यहाँ पे डाल दूंगी साबूदाना के वड़े। जैसे ये एक साइड हो जाएगा हम लोग उसे पलट लेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे ही तलना है। पहले आप एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पे रख के इसे तलेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसे निकाल लूंगी एक सर्विंग प्लेट में।
इसे आप गर्मा गर्म ही खाइए, चटनी के साथ, उपवास की कोई भी चटनी के साथ, या सॉस दही इसके साथ भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ये झटपट साबूदाना वड़ा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं हम लोग नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, एंजॉय ईटिंग। थैंक यू।